नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। मानहानि के नोटिस पर इनेलो और प्रदेश की सरकार अब आमने सामने है। पिछले दिनों इनेलो नेताओं ने बाकायदा राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर बड़े घोटाले का आरोप लगाया था और अब इस आरोप पर सीएम हुड्डा ने पलटवार किया है और मानहानि का नोटिस इनेलो नेताओं के पास भिजवाया है। उधर इनेलो नेताओं का कहना है कि उनकी तरफ से नोटिस का माकूल जवाब दिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मानहानि का नोटिस हुड्डा साहब और चौटाला में टकराव को बढ़ाएगा। इसके अलावा इस बार हाईटेक चुनाव प्रचार और रणनीति बनाई गई है। बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो समेत सभी दलों ने इलेक्शन वॉर रूम बनाए हुए हैं। इन इलेक्शन वॉर रूम से चुनाव का संचालन किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि इस चुनाव में कैसा रहेगा इलेक्शन वॉर रूम का प्रयोग। उधर अब बीजेपी में बगावत तेज हो रही है। बादशाहपुर के मुकेश शर्मा, बहादुरगढ़ के नफे सिंह राठी और फरीदाबाद के चंदर भाटिया समेत कई और नेता पार्टी के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। अभी बीजेपी के 47 उम्मीदवारों की सूची आनी बाकी है। इससे बीजेपी में बगावत होने की आशंका और ज्यादा है क्योंकि बीजेपी का कुनवा विरोधी पार्टियों के नेताओं की ज्वाइनिंग से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या बागी नेता बीजेपी का गणित बिगाड़ देंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण शो में सवाल यह भी उठाएंगे कि उपचुनाव में मोदी फैक्टर खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा। कृपया करके बड़ी बहस के साथ बने रहे आप। और बहुत जल्दी से उन सवालों पर नजर डालिए जो आज बड़ी बहस का हिस्सा है, जिन पर हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। क्या मानहानि का नोटिस हुड्डा साहब और चौटाला साहब में टकराव को बढ़ाएगा या फिर यह केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसकी असलियत क्या है। चुनावों के मौसम में सिर्फ पॉलिटिकल गर्मी बढ़ाने के लिए, सियासी पारे को चढ़ाने के लिए यह नोटिस पर वार पलटवार हो रहा है या फिर वाकई ये नोटिस बहुत गंभीर है और जिस तरह से राज्य की सरकार ने नोटिस भेजा है, क्या और कब तक वो चौटाला साहब को मिलेगा और वो इस पर क्या जवाब देंगे ये भी हम जानेंगे। इस चुनाव में इलेक्शन वॉर रूम का प्रयोग हो रहा है। जो बड़े राजनीतिक दल हैं हमारे प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा भी सभी दलों ने वॉर रूम, इलेक्शन वॉर रूम का कॉन्सेप्ट अपनाया है। सवाल यह कि यह कंसेप्ट राजनीतिक दलों को कितना फायदा पहुंचाएगा। क्या वाकई ऐसी कोई स्थिति होती है जिससे इलेक्शन पर वॉर रूम के जरिए वाकई नजर रखी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बड़े लंबे चौड़े वॉर रूम बनाए गए, बड़ी टीमें गठित की गई, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फायदा दिखाई नहीं दिया। सवाल नंबर तीन जो महत्वपूर्ण है, क्या बागी नेता बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्या समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि सूची आने के बाद माना यह जा रहा था कि अब तक जो असंतोष है वो खत्म हो जाना चाहिए था। अगर हम बगावत शब्द का इस्तेमाल करें तो वो भी ठंडी पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन नए नए प्लेयर, बगावती नए नए प्लेयर सामने आ रहे हैं। सवाल यह कि 47 सीटें अभी भी बाकी हैं, वो जब सामने आएंगी तो फिर पार्टी की स्थिति क्या होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, ये चुनाव, ये प्रश्न आज इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल बाय इलेक्शन के नतीजे आए हैं। माना यह जा रहा है कि उन नतीजों ने मोदी फैक्टर की हवा निकालने का काम किया है। क्या कल के नतीजे हमारे चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में कोई रोल प्ले करेंगे और क्या बीजेपी इससे चौकन्नी हुई है, क्या बीजेपी इसे एक सबक के तौर पर लेकर और ज्यादा ताकत चुनाव में झोंकेगी। ये बहुत सारी संभावनाएं हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे।
और इन सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास और वरिष्ठ सम्मानित पैनल हमारे साथ मौजूद है। बहुत जल्दी से हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ हैं राजीव जेटली साहब, प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल। आज हमारे साथ हैं शमशेर शर्मा जी, आप नेता हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस के। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सर्वदानंद आर्या जी हैं। हमारे साथ नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर वीरेन चौहान साहब हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हैं। और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा जन चेतना पार्टी जसवीर भट्ट साहब हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। बड़ी बहस में चर्चा की शुरुआत डॉक्टर साहब हम आपसे करना चाहेंगे और गुजारिश सिर्फ हम ये कर दें कि थोड़ा समय कम होता है, पैनल ज्यादा होता है, बड़ा होता है, हम सटीक बात करेंगे तो शायद निष्कर्ष तक जरूर पहुंच पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो नोटिस भेजा गया राज्यपाल से मिलकर, अब इतने दिनों बाद राज्य सरकार ने उस पर पलटवार किया, ज्ञापन नोटिस, ये सिर्फ पॉलिटिकल गर्मी बढ़ाने के लिए है या वाकई चौटाला साहब और हुड्डा साहब दोनों बहुत गंभीर हैं इस नोटिस पर जो सियासत हो रही है उसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि राज्यपाल से मिलने के लिए तो हर कोई स्वतंत्र है और आमतौर पर इस हरियाणा में कई बार ऐसा हो चुका है कि जो विरोधी दल हैं वो, जिसमें कांग्रेस भी एक बार शामिल थी जब कांग्रेस राज्य में नहीं थी, तो ये भी राज्यपाल के पास पहुंचते थे ज्ञापन देने के लिए और इनको अधिकार है विरोध करने का किसी भी विरोधी दल को। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर उस समय इन्होंने कोई तत्परता दिखाई मानहानि का नोटिस भेजने के लिए। यदि आज इनके ऊपर आरोप लगते हैं, सीएलयू के आरोप लगते हैं, जो कि लोकायुक्त की अदालत में बहुत सारे केस पेंडिंग हैं और वो इनेलो ने ही वो केस प्रस्तुत किए हैं जनता के सामने, वो ठीक है या गलत ये तो लोकायुक्त बताएगा, अदालत का फैसला आएगा। तो ये जो मानहानि का नोटिस दिया गया है, मैं समझता हूँ इस वक्त गर्मी बहुत बढ़ी हुई है और हरियाणा के एक खास वोटर वर्ग में इस बात की भी बात है कि चौटाला साहब को दंडित किया गया है या वाकई चौटाला साहब का उसमें दोष था। ठीक है, दंडित किया गया तो उसको दंड देने वाली तो एक ही पार्टी का नाम लिया जा सकता है, उसमें भाजपा तो कहीं आती नहीं क्योंकि भाजपा तो सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में पार्टी है वो कांग्रेस है। और ऐसा माना जाता है कि उस वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व तो सिर्फ कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री करना चाहते थे और उन्होंने अपने रास्ते का रोड़ा हटाया। मैं समझता हूँ ये हीट पैदा करने के लिए, लोगों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए और इस इलेक्शन को और गर्म करने के लिए ये प्रयास है, अन्यथा ये तो पहले भी हो सकता था। काफी दिनों से इस तरह के आरोप लग रहे हैं जनता में भी, राज्यपाल में भी और खुले मंच से लग रहे हैं। अब जरा हम कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब के पास जाएंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, राज्य सरकार ने बाकायदा नोटिस भिजवाया है इनेलो नेताओं को, इन लोगों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया था जिसमें चार्जशीट भी थी और कई आरोप थे आपकी सरकार को लेकर, कितनी गंभीरता से आप इन चीजों को ले रहे हैं? ये सिर्फ पॉलिटिकल गर्मी को बढ़ाने के लिए है या वाकई इस नोटिस पर आप लोग गंभीर हैं? और अगर गंभीर हैं तो इस नोटिस को भेजने में इतनी देरी क्यों हुई? ये तो शायद हफ्ते भर के भीतर ही भिजवा देना चाहिए था। देखिए, मैं सबसे पहले तो सर्वानंद आर्य जी की इस बात को का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ओम प्रकाश चौटाला को दंडित किया है। मेरे ख्याल सर्वानंद आर्य जी भूल गए हैं जी कि इनको सेशन कोर्ट दिल्ली सीबीआई की कोर्ट ने इनको दंडित किया है। कांग्रेस पार्टी का कहीं कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। तो सर्वानंद राय जी, आप अपनी बात को करेक्ट कर लें कि कांग्रेस पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारे पे आरोप लगाने के ये लोग राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं और वो ये राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि आपने कहा कि इतना टाइम क्यों लगा दिया। देखिए, वकीलों से सलाह लेनी पड़ती है जी, अधिवक्ताओं को से सलाह मशवरा करके और टाइम लगा के पूरा एक अच्छा सा इनको लिखा है, नोटिस दिया है जी, और ये नोटिस से बच रहे हैं, कह रहे हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है और हमने नोटिस को सार्वजनिक किया है। हम एक कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले हमने इनको नोटिस दिया है,
अगर इनका नोटिस का जवाब सही नहीं मिला तो हम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, यानी ये हमने जो कुछ किया है हमने कायदे कानून के हिसाब से किया है, और दूसरा इनेलो के पास कोई हक नहीं है मुख्यमंत्री पे आरोप लगाने का। आज इनेलो के लोगों को, दो शीर्ष नेताओं को माननीय अदालतों ने जेल में भेजा है, सजा की है 10-10 साल की, और 1.5-2 साल से उनकी जमानत भी नहीं हो रही। इससे यह साबित होता है कि वास्तव में इन्होंने कसूर किया है। ठीक है, दूसरा हुड्डा साहब, ठीक है, पहले तो जो बात आपने रखी डॉक्टर साहब की बात पर, हुड्डा साहब पहले, अब एक एक करके आपकी बात हमने सुन ली सर, समझ ली, अब डॉक्टर साहब आपकी बात पर एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहते हैं, फिर हम इनेलो के पास जाएंगे, क्योंकि ये नोटिस ये जरूर बता रहा है कि ये आरोप आप लोग नहीं मानते, जो चार्जशीट दी गई वो सही नहीं है, और उस चार्जशीट से मानहानि हुई है, इसीलिए नोटिस भेजा गया। अब आरोप में क्या है, कितना दम है, ये आगे देखेंगे, इनेलो के पास जाएंगे, लेकिन हाँ डॉक्टर साहब आप उनकी बात पर, मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मेरे पुराने साथी हैं, मैं शायद इनको मेरी बात समझने में थोड़ा सा दूसरा लगा, कंफ्यूजन हुआ। मैंने स्वयं अपनी तरफ से नहीं कहा कि कहीं भी हुड्डा साहब का दोष है चौटाला जी को जेल भेजने में, मैंने कहा कि लोगों के अंदर ऐसा प्रभाव है, ऐसा आरोप लगता, वोटर्स के अंदर ऐसा आरोप लगता रहा है, ये मैंने कहा। ठीक है, अब जेटली साहब हम आपके पास आते हैं, मानहानि के नोटिस को आप लोग किस तरह से ले रहे हैं? आज हम प्रतिक्रिया देख रहे थे चौटाला साहब की, उन्होंने कहा नोटिस अभी तक हमें मिला नहीं है, अगर नहीं मिला है तो कल परसों एक आध दो दिन में वो नोटिस मिल जाएगा। क्या रणनीति है आप लोगों की आगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं हुड्डा साहब कि फिर वो अदालत में जाएंगे अगर वो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो? राजीव जी, जिन तथ्यों के आधार पे मानहानि का नोटिस भेजा गया है, उन तथ्यों के आधार पर मान तो रह ही नहीं गया था, जवाबदेही थी नहीं इनके पास, इसलिए हानि हो नहीं सकती, तो वो ही खारिज हो जाएगा। दूसरी बात आपको बोलना चाहूंगा, वो स्वतंत्र हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, अगर वो कहीं पे डेफर्मेशन का केस डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन जो हमने आरोप लगाए थे वो कोई हवा में नहीं लगाए थे, हमने तथ्यों पर आरोप लगाए थे, हमने फिगर दी, हमने उसके सबूत दिए, एविडेंस दिए, सारा सिस्टम सारी किताब बनाकर सबूत के साथ हमने माननीय राज्यपाल को दी थी। अब ऐसे केस में अगर वो ये कहते हैं कि हमने आपको एक नोटिस भेजा है, तो राजीव जी मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, हम स्टूडियो में बैठे हैं, लाइव डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपका मन करे तो अगले 5 मिनट में आप मुझे कोई भी नोटिस भेज सकते हैं, आप मेरे पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का भी नोटिस भेज सकते हैं, ये आप उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं इतनी बात बोलना चाहता हूं कि हमें लीगल नोटिस भेजा किस लिए गया है, मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं, साहब नोटिस आप लोगों को मिल गया है क्या? ये मेरे को अपने लीगल एक्सपर्ट से चेक करना पड़ेगा, वो रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी तो कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 महीने का वक्त चुनाव में रह गया है, माननीय मुख्यमंत्री के पास जवाबदेही नहीं थी, जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिस आधार पर हमने चार्जशीट बनाई थी, अब वो जनता को तक जवाब दे नहीं पा रहे हैं, जनता को यह नहीं बता पा रहे कि जो चार्जशीट में दिया गया वो ठीक है कि गलत है। अब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को इस वर्लपूल से निकालने के लिए कोई चाल चलनी थी, वो चाल उन्होंने इस तरीके की चली कि एक लीगल नोटिस भेज दिया। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर इतनी ही साफ सुथरी छवि के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो जो चार्जशीट हमने दी है उस चार्जशीट का सार्वजनिक मंच पर जवाब दें और बताएं कि ये आरोप मेरे पर झूठे लगे हैं, क्योंकि आपने पीछे भी देखा होगा ये चार्जशीट हमने दी है, इस चार्जशीट के बेसिस क्या है आपको मैं ये भी बता देता हूं, जो सरकारी ऑफिसर इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं उन सरकारी ऑफिसर को तंग किया जाता है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, फाइल को मैनिपुलेट किया जाता है, फाइल में डेट चेंज की जाती है, इस तरीके के हथकंडे हमारी इस कांग्रेस सरकार ने अपनाए थे, उन्हीं को हमने आधार बनाया और जब सबूत के सामने पेश किया तो आज माननीय मुख्यमंत्री चारों खाने चित हैं, जवाब उनके पास है नहीं, लीगल नोटिस भेज के आपके पास
सबूत के साथ पेश किया आपने, सब सबूत के साथ पेश किया है हमने। कल जब जरूरत पड़ेगी तो वो सारे सबूत, वो सारे साक्ष्य आप रखेंगे। बिल्कुल, आप राज्यपाल जी के पास जो हमने माननीय राज्यपाल को जो हमने पूरा चार्जशीट की डिटेल दी है, उसमें एक एक बात बताई गई है कहां पे कितनी जमीन, कहां पे किस तरीके से पावर का मिसयूज किया है। आप ये देखिए, अगर आप एक घर बनाते हैं और वो घर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में नहीं आता है, तो आप वहां तक सड़क कैसे खींच कर लेके आएंगे? आपने पावर का मिसयूज किया, हमने वो बात भी बताई है, हमने सारे फैक्ट्स और फिगर रखे हैं। अब छोटा सा उनका एक साइकिल है, लोगों को आपने सुमराज का जिक्र किया। होटा साहब, जेटली साहब ये कह रहे हैं कि जब राज्यपाल को चार्जशीट दी गई उसमें भी बकायदा तथ्यों का जिक्र किया गया और जो तथ्य पेश किए गए उसके सबूत इनेलो के पास हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो सबूत आगे अदालत में रखेंगे, तब कैसे निपटेंगे आप जब वो सबूत पेश करेंगे? और कई बातें तो वो चर्चाओं में लगातार कह ही रहे। देखिए, मुख्यमंत्री ने उनकी एक एक बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा ये जो चार्जशीट है ये बकवास है, और क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया है, वो कहते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनेलो का जनाधार हरियाणा में खत्म होता जा रहा है, ये अपने जनाधार को बचाने के लिए इस प्रकार के बड़े छोटे काम कर रहे हैं। आज पूरी हरियाणा की जनता उनको देख रही है। अगर मुख्यमंत्री के ऊपर किसी प्रकार के आरोप थे तो 10 साल पहले, आज 10 साल से वो मुख्यमंत्री हैं जी, पहले उन्होंने इस प्रकार की बात क्यों नहीं की? पहले क्यों नहीं लगा उनको? पहले करनी चाहिए थी। और दूसरा, जिस प्रकार से अधिकारियों को प्रताड़ित करने की बात की है उन्होंने, जिस अधिकारी के प्रताड़ित करने की बात की है, श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला ने उनकी कार तक छीन ली थी और उनके 6 साल के शासनकाल में उनकी 15 बदली की, और वो बेचारे वो अधिकारी जिनकी भाई हमारे हमें प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं जी, वो सचिवालय में साइकिल पे गए। जिस आदमी के साथ इन्होंने इतना बुरा किया आज ये उनके गुणगान कर रहे हैं। तो ये जो इनकी चार्जशीट है ये बकवास है, सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनाव जीतने के लिए ठीक है, ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। अब और मैं शॉर्ट में इतना जवाब दे देता हूं कि जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं और केस सर्कमस्टेंसेस में ये बातें रखी गई थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3.5 लाख करोड़ का जमीनी घोटाला उसी अधिकारी ने इनकी सरकार पर लगाया, हम पर नहीं लगाया था वो। ठीक है सर, ठीक है। अब हम जरा और राजनीतिक दलों को शामिल कर लेते हैं। विनय चौहान साहब हमारे साथ बने हुए और सुन भी रहे हैं इस पूरी चर्चा को। चौहान साहब, आपके लिए अलग सवाल है हमारे पास, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। हुड्डा साहब आएंगे आपके पास हम आगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच जो कुछ भी चल रहा है, नोटिस को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है, इसको आप लोग गंभीरता से देखते हैं या फिर मौसम की गर्मी भी अभी बहुत कम नहीं हुई है, आज भी काफी गर्मी थी और चुनावी गर्मी और ज्यादा बढ़े और ज्यादा पारा ऊपर जाए, इस नोटिस का सिर्फ इतना मकसद है, कैसे देखते हैं आप इसे चौहान साहब? नहीं राजीव जी, देखिए मैं दो टूक शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा कि आज की जो कांग्रेस की सरकार है और उसके मुखिया हैं, उनके ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल ने जो आरोप लगाए हैं वो चार्जशीट तो मैंने नहीं देखी उसमें क्या क्या कहा गया है जी, परंतु इस सरकार पर तो इतने आरोप हैं और आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल ने जो आरोप लगाए हैं उनमें भी निश्चित रूप से दम होगा। मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार, इनको अगर लगता है कि वो आरोप गलत हैं तो ये सत्ता में थे, आज भी है, अब तो इनकी विदाई का समय आ गया है, इनको बजाय नोटिस देने के इनको उन आरोपों का जवाब देना चाहिए था। मैंने आपके चैनल पर भी और 2-3 चैनलों पर और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि आप पर भेदभाव के आरोप हैं, आप पर क्षेत्रवाद के आरोप हैं, अगर विपक्ष के आरोप गलत हैं, अगर हम विपक्ष वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय आप सत्ता में हैं, आप हमारे लगाए गए आरोपों को झूठ साबित करने के लिए एक श्वेत पत्र ले आइए, जाते जाते हम झूठ साबित हो जाएंगे तो प्रदेश की जनता जान जाएगी। ठीक है, परंतु राजीव जी काले कारनामे इतने किए हैं कि उस पर कोई श्वेत पत्र जारी करना इनके श्वेत पत्र पर बात पहले भी हुई है, लगता है चौहान साहब पहले भी श्वेत पत्र पर बात हुई है, चूंकि आपने कहा दो टूक टिप्पणी